हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और केमिस्ट्री में आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सीएफटी सिद्धांत। वीबीटी सिद्धांत कंप्लीट होने के बाद में आज अपन सीएफटी सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। वीबीटी सिद्धांत पिछले दो वीडियोज में अपने कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद में उपसह संयोजी यौगिकों से संबंधित सीएफटी सिद्धांत आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वीबीटी की तुलना में थोड़ा ज्यादा लेंथी है, तो ये दो वीडियोज में कंप्लीट ना होकर के तीन या चार वीडियो तक कंप्लीट होगा। आज के वीडियो में अपन सीएफटी सिद्धांत के बारे में केवल जो इसके मेन मेन पॉइंट्स है, इसके मुख्य बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, उन्हीं के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ही छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनने वाला है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको सीएफटी सिद्धांत समझना है तो आप सीएफटी के बनने वाले तीन या चार जितने भी वीडियो है उन सभी को अटेंड करें। सभी वीडियोज आप देखेंगे तो आप डेफिनेटली सीएफटी सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सीएफटी सिद्धांत है ये बेथे नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। सीएफटी सिद्धांत के जो महत्वपूर्ण पांच बिंदु है वो देखिए कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई यौगिक है, उपसह संयोजी यौगिक दिया हुआ है अपने को, तो सीएफटी सिद्धांत का सबसे पहला पॉइंट ये है कि उपसह संयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु और लिगेंड, इनके बीच में कोई सह संयोजी या उपसह संयोजी बॉन्ड नहीं होता है। यानी इस Fe और CN के बीच में कोई उपसह संयोजी बॉन्ड नहीं होता है, बल्कि इनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। यानी जो प्लस माइनस में, जैसे NaCl में Na+ और Cl- में अट्रैक्शन लगता है ना, ठीक वही आकर्षण बल यहां पर केंद्रीय धातु और लिगेंडो के बीच में लगता है। सबसे पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर दो, यदि लिगेंड उदासीन हुआ, जैसे ये एग्जाम्पल इसको मैं चेंज कर देता हूं, ये लीजिए। अब आप कहेंगे कि यहां पर Fe प्लस टू और H2, तो इनमें तो प्लस माइनस चार्ज नहीं है, अब इनमें अट्रैक्शन कैसे लगेगा? तो सीएफटी का ये कहना है कि अगर लिगेंड उदासीन हो तो लिगेंड का द्विध्रुव का जो नेगेटिव चार्ज वाला सिरा है उसके और धातु के बीच में आकर्षण बल लगता है। जैसे हाइड्रोजन की तरफ अपन जानते हैं आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन की तरफ आंशिक नेगेटिव, तो ये जो द्विध्रुव बना हुआ है, इस द्विध्रुव का जो नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज और केंद्रीय धातु के बीच में आकर्षण यानी अट्रैक्शन बल लगता है। ये मानना है सीएफटी सिद्धांत। नंबर तीन, सीएफटी सिद्धांत का ये मानना है कि जो केंद्रीय धातु होता है, केंद्रीय धातु में जो डी कक्षक होते हैं, जो अपने वीबीटी सिद्धांत में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय पर बनाए थे अपन ने, इस तरह से इक्वल बनाते हैं सबको, क्योंकि इनकी सबकी ऊर्जा बराबर होती है। और ये कहना है सीएफटी सिद्धांत का कि सभी डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। जैसे जितने भी 3D में या 4D में पांच पांच कक्षक होते हैं, तो 3D के पांचों कक्षकों की ऊर्जाएं बराबर होंगी। और समान ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं अपन जानते हैं कि उनको संभ्रंश कक्षक कहा जाता है। तो ये कहना है सीएफटी सिद्धांत का कि जो केंद्रीय धातु होता है उसके जो डी कक्षक होते हैं वो संभ्रंश कक्षक होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट, अब तक देखिए अपन ने ये दो पॉइंट पढ़े हैं, ये नॉर्मल पॉइंट है, अपन पहले से जानते हैं। केंद्रीय धातु लिगेंड के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है, दोनों के प्लस माइनस में आकर्षण बल लगता है, लिगेंड उदासीन हो तो लिगेंड द्विध्रुव का नेगेटिव चार्ज में आकर्षण बल लगता है, और जो डी कक्षक होते हैं वो संभ्रंश कक्षक होते हैं। यहां तक कोई बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं आया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मान लीजिए किसी केंद्रीय धातु, जैसे केंद्रीय धातु है M+ और उसके d कक्षक हैं और इनमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये लिगेंड है N-, तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो ये लिगेंड है ये केंद्रीय धातु के नजदीक आएगा। तो सीएफटी सिद्धांत का ये कहना है कि ये जब लिगेंड इसके नजदीक आएगा तो इसके जो d कक्षक है इनमें और इस लिगेंड में, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल, क्योंकि वहां पर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में हमेशा अपन जानते हैं प्रतिकर्षण बल लगता है। तो केंद्रीय धातु के डी कक्षक जो कि संभ्रंश कक्षक और लिगेंड, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा और इस प्रतिकर्षण बल के कारण जो डी कक्षक है वो संभ्रंश कक्षक नहीं रहेंगे और वो टूट जाएंगे, और इस तरह से टूट करके तीन कक्षक अलग हो जाएंगे और दो कक्षक अलग हो जाए। कौन कौन से होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये आगे जब अपन एग्जांपल पढ़ेंगे तब इनको समझेंगे। तो लिगेंड के प्रभाव में जो डी कक्षक होते हैं वो टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं,
और इस प्रक्रिया को डी कक्षकों का विपातन कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिगेंड के प्रभाव में डी कक्षकों का दो अलग अलग समूहों में विभक्त होना डी कक्षकों का विपातन कहलाता है। और इन दोनों की ऊर्जा अब अलग अलग हो गई, यानी ये पांचवा अब संभ्रंश कक्षक नहीं रहे, क्योंकि मैंने जो बनाया उसके अकॉर्डिंग इन तीन की ऊर्जा कम है और इन दो की ऊर्जा ज्यादा है। तो अब ये पांचों संभ्रंश कक्षक नहीं रहे हैं, पहले ये संभ्रंश कक्षक थे। और इनके बीच में जो ऊर्जा का गैप है, देखिए इतना गैप है, इनकी ऊर्जा कम है इतनी इन दोनों की ज्यादा है। इनके बीच में ये जो ऊर्जा अंतराल होता है, ऊर्जा का गैप होता है, इस ऊर्जा अंतराल को विपाटन ऊर्जा कहा जाता है। विपाटन ऊर्जा, विखंडित होने के पश्चात जो डी कक्षकों में ऊर्जा का अंतराल होता है उसे विपाटन ऊर्जा कहा जाता है। तो ये था आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मान लीजिए आप सबसे इंपॉर्टेंट यही है, विपाटन क्या होता है और किस प्रकार से होता है। सीएफटी सिद्धांत है कंप्लीटली इसी पर बेस्ड है विपाटन के। तो आज के वीडियो में बस अपन यही देखेंगे सीएफटी सिद्धांत के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके बारे में अपन ने देख लिया, क्योंकि अगर नेक्स्ट अगर टॉपिक अपन इसमें सोल्व करना चाहे उसमें जोड़ना चाहे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा लेंथी न करते हुए शॉर्ट रख करके बस इतने यहीं पर समाप्त करते हैं आज के वीडियो में, बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।